हो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। एंड सुबह के 5, 5:30, 6 बज रहे हैं, इसलिए इतना स्लो बात करना पड़ रहा है। सो ऐसी होगा इसकी आज हम लोग मेरे घर से कंप्यूटर तक साइकिलिंग करेंगे। देखिए पहुँचते हालत ख़राब होती है, खराब होती है। इट इज़ अ सोलो ट्रिप, इसमें सब मैं जा रहा हूँ। फिनी तौर जहाँ पे सो रहे हैं, एंड एक मैंने बैग भी लिया हुआ है, इसमें मैंने एक बॉटल रखा हुआ है कि अगर प्यास ऐसे लगे तो पानी। अभी भी थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ रहा है क्योंकि घर के अंदर ही हम लोग और सारे लोग सो रहे हैं। ये जो ट्रिप मतलब वैसे ही साइकिल है, 8-9 किलोमीटर की है, तो मैंने एक बॉटल भी रख ली है, पानी वानी की ज़रूरत पड़ गई तो फिर वहाँ खरीदने वरीदने जाएंगे। एंड पीछे देखो सनराइज़ भी होने वाला है। और ये मैं बहुत पहले से स्टार्टिंग में हम लोग आए हुए थे, तब से मतलब एक थिंकिंग थी मेरी, मन था कि साइकिल से हम लोग नौका विहार जाएँ। एंड तो आज मौका मिला ऐसा कि जा रहे हैं, अब देखते हैं, निकल तो गए और कितने देर पहुँचने क्या होता है, लेट्स सी गाइस। तो अभी जस्ट मैंने चेक किया तो यहाँ से 8 किलोमीटर दिख रहा है टोटल और 15 मिनट दिख रहा है, तो यार नॉट लॉन्ग यार। और मैंने मास्क भी लगाया क्योंकि यार मेरी नाक मतलब नाक का हवा सिस्टम ख़राब है, हल्की सी हवा लगती है तो फिर वो तुरंत स्विंग आउट। सो अभी तुम लोग फ़िलहाल नंदा नगर में ही हैं। थोड़ा सा ख़राब हो गया, आई हैव फिक्स इट। हाँ तो अब से भी हम लोग सन के अपोजिट में ही चल रहे हैं। और यार मेरा बाल बड़ा ख़राब हो रहा है यार आजकल। तो हम राइट नाउ एट एम्स, तो एम्स क्रॉस हो गया, इधर आर्मी पब्लिक स्कूल, हम लोग कूड़ाघाट पहुँचने वाले हैं। मज़ा आ रहा है रियली, इट्स नॉट एज बैड दैट आई थिंक। तो बात कुछ ऐसी है कि आज है सैटरडे 10th of December और आज हम लोग के स्कूल में छुट्टी हुई है, छुट्टी है, दैट्स वाई आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो टुडे, बिकॉज 8 बजे से पहले तो घर पहुंचेंगे नहीं और 8 बजे से स्कूल होता है तो फिर वो स्कूल टाइम में हो नहीं पाएगा, दैट्स द रीज़न, इसलिए ये वीडियो आज बना रहे हैं। यार उस तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा, वहाँ पर उधर ही जाना हम लोग को, उधर कुछ दिख ही नहीं रहा है, पहुंचने वाले हैं। तो हो रहा है यार उस साइड क्योंकि पानी होता है, तो अभी रामगढ़ ताल के जस्ट सामने खड़े हुए हैं और पीछे भी एक्सिट, तो हम लोगों ने मोहद्दीपुर क्रॉस कर दिया है एंड अब हम लोग इस वाले रूट पे आ गए जिधर से नौका बिहार जाना है। एंड मेरा बाल हो गया है मुर्गे वाला बाल, फॉरगेट इट। गेट वन कमिंग इन आर
पूरा भाई कोहरे से भरा हुआ है यहाँ उस साइड। वाह 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 वाह, वी मेड इट ब्रदर, वी मेड इट ब्रो। या इट्स नॉट एज हार्ड एज आई थिंक, बट पसीने तो छुड़ा दिए भाई इसने। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सॉरी नौका विहार। एंड यार सूरज काफ़ी प्यारा लग रहा है और यहाँ पे सारे लोग टहल घूम रहे हैं। तो बैग उठा के लेके चला है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ओह माय गॉड स्केटर्स भी है, लेकिन बहुत तगड़ा लग रहा है भाई। सुकून इज ऑसम एंड सही भी यार, उतना हार्ड लगा नहीं जितना लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा या ये वो ऐसा लगा ना भाई। वो इतना सही लग रहा है यार। आ रही है गर्मी हो गई गंदी वाली भाई। यार एक बहुत ही गंदी वाली दिक्कत हो गई है, मैंने साइकिल का लॉक लाना भूल गया है और वहाँ यहाँ पे साइकिल अंदर ले नहीं जा सकते हम लोग, बाहर ही कहीं पार्क करनी पड़ेगी और लॉक है नहीं। तो वही दिक्कत होगी कि साइकिल रखेगा वहाँ पे। सोचा कि कहीं कोई दुकान दिख जाती अच्छी, यहाँ पे खड़ा कर देते। पूछ रहे अभी देखते कहाँ है। सो राइट नाउ आई एम हैविंग अ सिप ऑफ चाय, द बेस्ट चीज़ है। और मैंने ब्रश भी नहीं किया यहाँ पे, हम घर से ही नहीं करके आए थे। मज़ा आ रहा है, सफल हुआ जीवन हमारा। मैंने इधर साइकिल पार्क ही नहीं की, मैं साइड से इधर से लेके घुस गया अंदर। अब देरी कहीं खड़ा कर देते हैं साइकिल को। उधर पानी के पास कुछ लोग खड़े हैं, राइस आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्या पार्क माई। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे जगह मिल जाए पार्क करने की तो मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी मिलती है कि नहीं। सो व्हाट्सअप। तो मैंने पुलिस अंकल से एक बात की एंड मेरी साइकिल इधर खड़ी हो गई है, मतलब जो पुलिस चौकी है यहाँ पे, पुलिस चौकी नौकायत। तो उसके सामने मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है एंड अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये अंकल लोग भी ना बड़ा हरामी हो बेटा। सभी लोग ने कब्जा कर लिया है यहाँ पे आके। काफ़ी टाइम बाद इतनी हल्की भीड़ मैंने नौका विहार पे देखी है। इसके पहले जब भी आए थे तो यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड यार ऑसम फीलिंग, गर्मी भी लगने लगी यार जैकेट में, मन कर जैकेट उतारने का। फोटो छूट चल रहा भाई लोग का वहाँ पे। अभी भी यार बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। आई थिंक दैट कि अब कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, तो रुकने से कोई फायदा नहीं है। वो इधर ही हम लोग की साइकिल खड़ी हुई है पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस चौकी के पास। लेट्स ब्रिंग इट। सो हियर इज इट आवर साइकिल, लेट्स गो। तो अभी हम लोग आगे आ चुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे नौका विहार के। उधर पुलिस अंकल थे नहीं तो मैंने सिंपली साइकिल लेके निकला यहाँ पे। सीन हो गया ज़्यादा एंड आई थिंक कि अब जैकेट उतार देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। Oh,
जैकेट वैकेट उतार लिया है और अब आई थिंक घर के लिए निकलना चाहिए क्योंकि 8 बज गया और हम लोग यहाँ 7 बज गए थे, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा तो इधर उधर टहलने में लग गया, पार्किंग होने में लग गई, बट फाइनली सब कुछ होके घर निकलते हैं। पता नहीं क्यों फ़ोन भी नहीं अभी तक आया घर से, शायद सब लोग सो रहे होंगे अभी भी वहाँ पे, अगर पहुँच गए जल्दी तो ठीक ही रहेगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, बट इन द लास्ट मैं बता देना है सबको पक्का, वैसे व्लॉग तो देखेंगे ही ना। सो लेट्स गो। बेचारा ये वाटर पार्क बंद पड़ा हुआ है कब से, पता नहीं कब खुलेगा ये वाटर पार्क। ये सबसे बेस्ट जगह है लग रही है यार, सबसे सुकून वाली जगह है, एक नंबर, आराम से आके ही बैठो, कोई दिक्कत की गल, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। मन ही नहीं कर रहा यार घर जाने का, और घर इधर ही बैठे रहे, लेकिन टाइम भी उसके यार नहीं, अब नहीं रुकना कहीं, बैठ कर चलते हैं। हाय गुड नाइट, सो जा। सारी चाय वाली दुकानें खुल गई हैं, सारी चाय वाली दुकानें इधर खुल चुकी है पीछे, और आगे भी कुछ दुकानें खुल। कुछ दिन बाद निकाले हुए ना इसको, घर भी पहुंच गए भाई, मजा आ गया। मिशन सक्सेसफुल रहा हम लोग का, मिशन सक्सेसफुल। तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी चाय मिल गई, यहाँ पे भी, तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पे भी कि वहाँ गए थे, बताना पड़ा भाई, कोई मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ कि यार डांट पड़ी है, वो कुछ ऐसा नहीं हुआ, मिले सब लोग, मज़ा आया, सीरियस बता तो मज़ा आया। मैंने सब लोग कह रहे कि अभी देखना पैर खतरनाक दर्द होने वाला है तुम्हारा, कि इतना दूर गए थे, आदत नहीं इतनी सारी चलाने की, ये सब चीज़ तो हम देखते हैं कि पैर दर्द होता है या नहीं होता है। बाकी तो साइकिल चलाई आई थिंक 20 किलोमीटर, एंड मैंने जब वहाँ से वापसी की तो नॉन स्टॉप साइकिल चलाई, बस एक जगह लेके शुरू किए हुए थे हम मोहदीपुर में, जहाँ पे पुलिस वालों ने मेरी साइकिल ली थी यूज़ की थी थोड़ी सी, वहाँ पे चलाई थी उन्होंने, उनको थोड़ी सी हैंडल जाम लगी थी, बट तगड़ा लगा था वहाँ पे भी। तो मैंने वहाँ पे ईयरफोन लगा हुआ था कान में और तब से हाथ देता हूँ वहाँ से, मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई कि शायद ईयरफोन लगाए हुए तो बोलेगा हमको कुछ, बट उसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि साइकिल कितने के लिए ये वो ऐसे करके सब बात हुई। तो काफ़ी मज़ा आया एक्सपीरियंस करके, एंड इंशाल्लाह और भी एक्सपीरियंस चीज़ें करेंगे जो जो सोचा गया है ये सब है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हम लोग कल ट्रिप जाने वाली है स्कूल की, तो उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे एंड वो अपलोड होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते दोबारा तगड़ी वीडियो के साथ, बाय।